सो व्हाट इज द पीपल, आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो यार मैं सत्यम शर्मा एक बार फिर से आ चुका हूं एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो किसी महान इंसान ने एक वेब सीरीज में बोला था कि जब तक सिनेमा है तब तक लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए आज की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस मूवी में ना मतलब अलग ही दुनिया दिखाई गई है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए ये लाइन बोली क्योंकि जरूरी थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो देखते हैं मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तभी यहाँ पर एक और सी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। फिर हमें इनके लीडर सरदार अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए इंसानों को मार रहे होते हैं, जिससे कुछ ऑर्क्स इसके खिलाफ थे। अगले सीन में गोरोना और वो तीनों जादूगर ऑर्क्स के इलाके में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें दूरतौन देखता है जो कि ऑर्क्स होता है। वो किंग से मिलना चाहता है। जब किंग उसे मिलने आते हैं तो ऑर्क से कुछ लोग छिपकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी वो शक्तिमान अपनी पावर्स का यूज करके वॉल बना देता है जो कि ऑर्क्स और इंसानों के बीच बनी होती है। लेकिन किंग का बेटा दूसरी तरफ रह जाता है, ज्यादा ऑर्क्स उसे मार देते हैं। थोड़े ही टाइम बाद दूसरी तरफ ऑर्क से ड्रैगस्टन और सरदार खान में लड़ाई हो जाती है। तभी वहां पर किंग की आर्मी भी आ जाती है, डार्विन पहुंच जाता है, जहां क्वीन ऑर्क्स के खिलाफ जंग की शुरुआत कर देती है और लूट आता है। और वो बहुत छोटा होता है और इसकी माँ ने इसमें अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हमेशा की तरह मैं सत्यम शर्मा लेता हूँ अभी के लिए आपसे विदा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लो ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।